तो उनकी बात मानी जाएगी तो कलेक्टिव बार्गनिंग के बेसिकली दो टूल्स हैं कौन कौन से एक है स्ट्राइक दूसरा है लॉकआउट ठीक है जो स्ट्राइक है वो किसके पास है ये टूल लेबर के पास क्योंकि जो स्ट्राइक है वो लेबर कर सकती है ठीक है और लॉकआउट किसके पास है टूल एम्प्लॉयर के पास क्योंकि जब एम्प्लॉयर को अपनी बात मनवानी होती है तो वो लॉकआउट करते हैं ठीक है ठीके? लेकिन अगर लेबर को अपनी बात मनवानी हो तो वो स्ट्राइक कर देते हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के दो टूल्स हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट देखो वैसे तो स्ट्राइक और लॉकआउट करना ये गलत नहीं है ठीक है क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज किया गया है जब कभी इंप्लॉयर नहीं बात मान रहा ठीक है कोई बाकी इस तरह का मैटर है जिसके लिए स्ट्राइक करनी जरूरी है तो लेबर स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन अगर कहीं पे लेबर बात नहीं मान रही और इम्प्लॉयर बिल्कुल सही है अपनी जगह के ऊपर

फिर हमारे पास इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन ट्वेंटी टू प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ठीक है इसके अंदर कहते हैं कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनके अंदर स्ट्राइक करना या लॉकआउट करना उन प्रोहिबिशन है मतलब कुछ सरकम हैं या कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर उनको स्ट्राइक करनी है तो बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर प्रोहिबिशन है ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स की ठीक है प्रोहिबिशन क्यों लगाई गई है क्योंकि अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज स्ट्राइक या लॉकआउट करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा ऑब्वियसली जनरल पब्लिक को या सोसाइटी को तो इट वुड रिजल्ट इन ग्रेट इनकन्वीनियंस टू द जर्नल पब्लिक एंड सोसाइटी ठीक है तो इसीलिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में अगर स्ट्राइक या लॉकआउट करना है तो उन्हें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी तो so कंडीशंस हमारे पास आती हैं पहले स्ट्राइक के रिगार्डिंग वो सेक्शन आता है, 22, 1. So 22, 1 है तो उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी सबसे पहली कंडीशन है उसे नोटिस देना पड़ेगा इंप्लॉयर को इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर ठीक है स्ट्राइक पे जाने से पहले इंप्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा दूसरी कंडीशन जो नोटिस जिस दिन नोटिस दिया जाएगा जिस दिन नोटिस दिया जाएगा उसके सिक्स मंथ्स के सिक्स वीक्स के अंदर अंदर स्ट्राइक हो जानी चाहिए तो इसका मतलब अगर आज नोटिस दिया है और छह हफ्ते बीत चुके हैं स्ट्राइक नहीं करी तो सिक्स वीक्स बाद वो नोटिस इनवैलिड हो जाएगा और अगर उसके बाद स्ट्राइक करनी है तो फ्रेश नोटिस एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा तो इसका मतलब जिस दिन नोटिस प्रोवाइड किया है उसके विद इन सिक्स वीक्स स्ट्राइक uh, हो जानी चाहिए लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है डेज हैव एक्सपायर्ड आफ्टर सच नोटिस, तो इसका मतलब जिस दिन नोटिस दिया है उसके चौदह दिन के अंदर स्ट्राइक नहीं करनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फोर्टीन डेज सिक्स वीक्स के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए और फोर्टीन डेज से पहले नहीं होनी चाहिए समझ आ गया तो बेसिकली लास्ट वाले फोर वीक्स में ही आप स्ट्राइक uh, पे जा सकते हो ठीक है अब ये चौदह दिनों का टाइम क्यों दिया जाता है इंटेंशन ऑफ गिविंग फोर्टीन डेज ताकि चौदह दिन के अंदर इम्प्लॉयर या गवर्नमेंट उनके पास एक रीजनेबल टाइम मिल जाता है उनको चौदह दिनों का टाइम मिल गया रीजनेबल टाइम मिल गया ताकि वो कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सके किस चीज़ की स्ट्राइक को रोकने की और कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला फाइंड आउट कर सके जिसके जिसके थ्रू दोनों ही एग्री कर रहे हो ठीक है एम्प्लॉयर भी एग्री कर रहा है और लेबर भी एग्री कर रही है तो इसीलिए चौदह दिनों का टाइम दिया जाता है ताकि इंप्लॉयर उस स्ट्राइक को रोक सके क्लियर हो गया लेकिन अगर प्रोहिबिटेड पीरियड में लेबर स्ट्राइक कर देती है ठीक है तो वो स्ट्राइक क्या है टोटली इलीगल स्ट्राइक है क्लियर फिर हमारे पास आता है सेक्शन 22 टू सबसेक्शन टू इसके अंदर बात करी गई है फॉर गोइंग ऑन लॉकआउट कि अगर इंप्लॉयर ने लॉकआउट करना है तो उसको भी कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी पहली कंडीशन क्या है उसे नोटिस देना पड़ेगा किसको वर्कमैन को क्योंकि अब एम्प्लॉयर लॉकआउट कर रहा है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड मैनर में टू द वर्कमैन और क्या करना पड़ेगा नोटिस जिस दिन दिया है उसके सिक्स वीक्स के अंदर अंदर लॉकआउट हो जाना चाहिए सेम कंडीशन है ठीक है सिक्स वीक्स के अंदर अंदर लॉकआउट होना चाहिए लेकिन नोटिस देने के चौदाह दिनों तक लॉकआउट नहीं कर सकता वो आज नोटिस दिया है

नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन थ्री अब इसके अंदर कहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है ठीक है ऑलरेडी स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है तो फिर क्या होगा तो कहते एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नोटिस तो देने की जरूरत नहीं है अब उसे नोटिस नहीं देना उसने ठीक है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है लेकिन वो इंटीमेट करे किसको स्पेसिफाइड अथॉरिटी को कि जब भी स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ है तो साथ के साथ वो इन्फॉर्म करें कभी कभी क्या होता है अचानक से स्ट्राइक हो जाती है या अचानक से लॉकआउट हो जाता है नोटिस देने का टाइम भी नहीं मिलता ठीक है तो इस केस में एम्प्लॉयर नोटिस तो नहीं देगा लेकिन उसको साथ के साथ इंटीमेट करना इन्फॉर्म करना जरूरी है टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी ठीक है लेकिन देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन ऑन द वर्कमैन इस तरह की कोई भी ऑब्लिगेशन वर्कमैन के ऊपर नहीं है ई इम्प्लॉयर के ऊपर ही है अब इम्प्लॉयर क्या करेगा चाहे इम्प्लॉयर नोटिस दे रहा है चाहे ले रहा है मतलब चाहे वो लॉकआउट का नोटिस दे रहा है चाहे उसको नोटिस रिसीव हुआ है रिगार्डिंग स्ट्राइक उसने क्या करना है जिस दिन उसको नोटिस मिला है उसके पांच दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट विद इन फाइव डेज किसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को उसने रिपोर्ट करना है क्लियर हो गया तो ये था हमारा सेक्शन 22 जिसके अंदर हमने थ्री सबसेक्शन भी कवर किए 22 टू वन ट्वेंटी टू सबसेक्शन टू एंड ट्वेंटी टू सबसेक्शन थ्री तो अब हमारे पास आता है सेक्शन 23 जर्नल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स और लॉकआउट अब इसके अंदर दोनों चीजें कवर होती हैं मतलब पिछले वाले सेक्शन में सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज थी अब इसके अंदर पब्लिक एज वेल एज नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए तो इसका मतलब ये All industrial establishments के ऊपर है है? ये वाला ठीक अब इसके अंदर कहते कि कोई भी वर्क, वर्कर या, या एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं कर सकता जब तक कि किसी केस की प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के पास मतलब केस चल रहा है अभी फैसला आया ही नहीं है तो उस जब तक फैसला नहीं आया उस दौरान कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं हो सकता और अगर कंक्लूजन आ भी गया है मान लो बोर्ड ऑफ कंसुलेशन ने फैसला सुना दिया लेकिन वो फैसला मंजूर नहीं है या वर्कर को अगर उनको मंजूर नहीं है तो वो स्ट्राइक करेंगे अगर इंप्लॉयर को मंजूर नहीं है तो वो लॉकआउट कर देगा ठीक है तो कहते कि जिस दिन कंक्लूजन आ गया ना किसका बोर्ड ऑफ कंसुलेशन का बीओ सी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन तो अगर आज कंक्लूजन आया है तो सेवन डेज एक्सपायर होने के बाद ही स्ट्राइक या लॉकआउट हो सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेवन डेज अगर विद इन सेवन डेज किया तो वो इलीगल हो जाएगा क्लियर हो गया फिर क्या कहते हैं कहते हैं अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है चाहे लेबर कोर्ट के पास चाहे ट्रिब्यूनल के पास चाहे नेशनल ट्रिब्यूनल के पास तब भी ना तो स्ट्राइक हो सकती है ना ही लॉकआउट हो सकता है और जिस दिन टी दिस स्टैंड फॉर अपने आप समझ जाओ यस लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल ठीक है जिस दिन इनका फैसला आ गया कंक्लूजन आ गया तो उसके टू मंथ्स एक्सपायर होने के बाद आज फैसला आया है आज से लेकर टू मंथ्स तक कोई स्ट्राइक कोई लॉकआउट नहीं हो सकता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टू मंथ्स स्ट्राइक या लॉकआउट आप कर सकते हो ठीक है अगर आपको वो फैसला मंजूर नहीं है अच्छा इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आ, लेबर और एम्प्लॉयर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तोड़ दिया किसी भी पार्टी ने तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट के पास जाओ ठीक है आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ सेटलमेंट या अवॉर्ड कई बार सेटलमेंट का टाइम चल रहा है ये हम ऑलरेडी अल, पढ़ चुके हैं मान लो सेटलमेंट का टाइम पीरियड है टू मंथ्स का ठीक है कि हम दो महीने ये चीज करके देखते हैं कि सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी दोनों पार्टीज एग्री कर गई अब तीसरे चौथे दिन ही एक पार्टी कह रही है कि ये मेरे से नहीं होगा ठीक है और वो क्या करती है वो स्ट्राइक पे चली गई तो ये भी इलीगल है मतलब जितना टाइम आपकी सेटलमेंट या आपका अवार्ड अवार्ड क्या होता है ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट का फैसला अवार्ड या सेटलमेंट ऑपरेशन में है तब तक उस टाइम के अंदर भी आप स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते ठीक है अब देखो इसमें हमने दो दो चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया हमने बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के बारे में पढ़ा हमने लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा लेकिन कहीं भी आपने कंसिलियन ऑफिसर के बारे में सुना नहीं सुना तो इसका मतलब कहते हैं कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कंसिलेशन ऑफिसर इज नो बार टू स्ट्राइक और लॉकआउट इस सेक्शन के अंदर सिर्फ बोर्ड ऑफ कंसिलेशन की बात करी गई है लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल की बात करी गई है लेकिन कंसिलेशन ऑफिसर की कोई बात नहीं करी गई है ठीक है तो इसका मतलब कंसिलेशन ऑफिसर के पास अगर आपकी प्रोसीडिंग चल भी रही है तो आप स्ट्राइक कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो इसका इस सेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है अब कहते अगर कोई भी स्ट्राइक या कोई भी लॉकआउट सेक्शन 23 को तोड़ता है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 तो वो क्या होगा इलीगल स्ट्राइक या इलीगल लॉकआउट माना जाएगा क्लियर हो गया फिर हमारे पास आता है सेक्शन ट्वेंटी फोर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट ठीक है देखो इफ कमेंस्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट तभी इलीगल होगा अगर वो इनको ब्रीच करेगा किसको अगर सेक्शन ट्वेंटी टू को ब्रीच करेगा तो वो स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल होगा अगर सेक्शन ट्वेंटी को ब्रीच करेगा तो वो स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल होगा अगर वो सेक्शन टेन सब सेक्शन थ्री को ब्रीच करेगा अब ये है क्या इसके अंदर अगर आ, स्ट्राइक या लॉकआउट को आ, ना करने का ऑर्डर दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला है उसने ऑर्डर दिया है कि स्ट्राइक नहीं हो सकती या लॉकआउट नहीं हो सकता लेकिन फिर भी अगर स्ट्राइक या लॉकआउट किया जा रहा है तो वो इलीगल है चौथा क्या है फोर आर देयर फोर्थ कहता है कि सेक्शन टेन ए सबसे फोर ए अगर इसको तोड़ेंगे ब्रीच ऑफ दिस सेक्शन ऑल्सो लीड्स टू इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट इसमें क्या है इसमें पहली दो चीजें तो बिल्कुल सेम है कि स्ट्राइक या लॉकआउट ना करने का ऑर्डर किसने दिया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने लेकिन किसके रिलेटेड इन कनेक्शन विद एनी डिस्प्यूट जो कि आर्बिट्रेशन के साथ डील करता है आर्बिट्रेशन हमने पढ़ी है ना थर्ड प्रोसेस जो हमने पढ़ी है मोड्स ऑफ सेटलमेंट के अंदर तो अगर आर्बिट्रेटर ने उसका फैसला सुनाया है या वो आर्बिट्रेशन के पास डिस्प्यूट गया हुआ है रिजॉल्व करने के लिए तो उस केस में अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्ट्राइक या लॉकआउट ना करने का ऑर्डर दिया हुआ है तो वो ये सेक्शन के अंदर कवर होता है ठीक है तो इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट कौन कौन से हैं अगर इन चार सेक्शंस को तोड़ के स्ट्राइक या लॉकआउट किया जाता है वो इलीगल माना जाएगा Clear? अब इसी के अंदर कहते हैं कुछ स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स इलीगल नहीं होते ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो कहते जिस टाइम पे स्ट्राइक की शुरुआत करी गई कमेंसमेंट नॉट इन वॉयलेशन जब स्ट्राइक की शुरुआत करी गई तब वो इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं थी लेकिन लेटर ऑन हो गई लेटर ऑन वो इलीगल हो गई तो उसे हम इलीगल नहीं मानेंगे तो कोई भी स्ट्राइक जब वो शुरू करी गई थी तब वो अगर इलीगल नहीं थी तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी दूसरा अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वो दो सेक्शंस कौन से टेन सबसेक्शन 3 एंड 10 ए सबसेक्शन 4 ए इन दोनों के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया प्रोहिबिट करने का स्ट्राइक या लॉकआउट तो उस स्ट्राइक को भी इलीगल नहीं कहा जा सकता फिर कहते हैं देखो अगर लॉकआउट इज डिक्लेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने स्ट्राइक वॉज नॉट लीगल इन स्ट्राइक कर दी लेकिन उस स्ट्राइक के रिजल्ट क्या आए कि एम्प्लॉयर को लॉकआउट करना पड़ा तो वो लॉकआउट लीगल है क्लियर हो गया? उसी के तरह से अगर एम्प्लॉयर ने इलीगल लॉकआउट किया था इलीगल लॉकआउट लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया वर्कर्स को स्ट्राइक करनी पड़ी अब वर्कर्स की स्ट्राइक लीगल मानी जाएगी चाहे लॉकआउट इन था देखो लॉकआउट इज डिक्लेयर्ड उट फिर हमारे पास आते हैं इफेक्ट क्या होते हैं इनगल के अगर स्ट्राइक इन लीगल है तो उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान बिल्कुल भी कोई वेजेस नहीं मिलेंगी किसी भी वर्कमैन को यह इसका इफेक्ट पड़ता है ठीक है नोट बट कहते जहां पे स्ट्राइक इज कमेंड

और किसी को कोई भी पे कोई भी वेजेस नहीं मिलेंगी क्लियर हो गया फिर हमारे पास आता है देखो तीन तीन चीजें हैं अब इसका करक्स करते हैं एक हो, एक है स्ट्राइक एक है लॉकआउट एक है वेजेस ठीक है अब हम जस्टिफिकेशन देखते हैं देखो अगर स्ट्राइक जस्टिफाइड है लॉकआउट अनजस्टिफाइड है तो वेजेस मिलेंगी वेजेस भी जस्टिफाइड हो गई ठीक है लेकिन अगर स्ट्राइक अनजस्टिफाइड है लॉकआउट जस्टिफाइड है तो वेजेस नहीं मिलेंगी क्लियर हो गया कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी इलीगल स्ट्राइक को या इलीगल लॉकआउट को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं कर सकता देखो प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फ्रॉम नोइंगली स्पेंडिंग एनी मनी इन डायरेक्ट सपोर्ट ऑफ एनी इीगल स्ट्राइक और लॉकआउट कोई भी पर्सन फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता किसको पता होने के बावजूद की लॉकआउट ये इीगल ये है अगर उसको पता है तो वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता ठीक है फिर हमारे पास आता है सेक्शन ट्वेंटी सिक्स पेनाल्टी फॉर इलिगल स्ट्राइक और लॉकआउट ये तो आपको बहुत मजेदार लगते हैं सेक्शन जहां पे ना पनिशमेंट और फाइन होना होता है ये वैसे अच्छी बात है लर्न भी हो जाता है जल्दी तो पेनाल्टी फॉर इीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स अब मैंने क्या आया सबसे पहले वर्कमैन आया तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं स्ट्राइक के बारे में ठीक है तो अगर इीगल स्ट्राइक हुई है तो वर्कमैन को या तो जेल हो सकती है अप टू वन मंथ या उसको फाइन पे करना पड़ सकता है अपटू रूपीज फिफ्टी यस सही सुना आप लोगों ने अप टू रूपीज फिफ्टी ओनली या फिर बोथ ठीक है अगर लॉकआउट इलीगल है तो एम्प्लॉयर को जेल हो सकती है उसको फाइन लग सकता है, 1, या फिर Instigation. Instigation होता है किसी को कन्विंस करना कि आजा आजा भी हमारे साथ बैठ जा स्ट्राइक कर ले मतलब इलीगल स्ट्राइक चल रही है और किसी को हम कन्विंस कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं तू भी हमें ज्वाइन कर ले तो ये चीज गलत है ठीक है तो कहते हैं अगर कोई भी पर्सन किसी को रिक्वेस्ट करता है टू टेक पार्ट इन इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट तो उस बंदे को जेल हो सकती है टू सिक्स मंथ फाइन हो सकता है अपटू रुपीज वन थाउजेंड या फिर दोनों चीजें क्लियर फिर क्या कहते हैं सेक्शन ट्वेंटी एट पेनाल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स तो इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है टू द इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को तो उसको क्या पेनाल्टी लगेगी तो देखो स्ट्राइक और लॉकआउट को कोई भी अगर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है तो वो बहुत बड़ा ऑफेंस है अपराध है ठीक है और उसको जेल हो सकती है टू सिक्स मंथ्स या फिर फाइन लग सकता है अपटू रुपीज वन हंड्रेड या फिर दोनों तो कितना सिंपल टॉपिक था हमारा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट तो होपफुली आपको ये सारा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डे